हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रोटीन रिच स्वीट बाजरे का दलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। मैंने यहाँ पे हाफ कप बाजरे का दलिया लिया है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है ताकि ये आसानी से पक जाए। हाफ कप दलिया को मैंने 1 कप पानी में भिगो के रखा है, अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब एक नॉनस्टिक पैन हम गरम करेंगे। इसमें हम 1 लीटर दूध गरम करेंगे। आप यहाँ पे फुल फैट या फिर बिना मलाई वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम सोक किए हुए बाजरे के दलिया को दूध में ऐड कर लेंगे। बाजरे के दलिया आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिलता ही है, पर अगर आपको ये ना मिले तो आप इसे घर पे भी बाजरे को मिक्सचर में पीस कर बना सकते हैं। हमने दलिया को अच्छे से मिला लिया है और दूध में 1 उबाल आ चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और दलिया को पकने देंगे। 10 मिनट बाद हम उसे फिर से चेक कर लेंगे। आप अगर कंसिस्टेंसी पतली रखनी चाहे तो दूध ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1/4 कप जैगरी गुड़ हम गैस बंद करके दलिया 5 मिनट बाद ठंडा हो जाए उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं, और 1/4 टीस्पून घी ऐड करेंगे। बाजरे के साथ गुड़ और घी का टेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। तो अब हम मिलाते हुए गुड़ पिघलने तक इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा स्वीट दलिया रेडी हो चुका है। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून लास्ट में इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें एनहांस हो जाए। अगर आप शुगर कम खाते हैं और कभी कभी हेल्दी और स्वीट खाने का मन करता है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम दलिया को सर्व कर लेते हैं, जिसके लिए हम कोकोनट पाउडर से उसे गार्निश कर लेंगे। विंटर सीजन में बाजरे की रेसिपी बेस्ट होती है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अब हम थोड़े से मिक्स नट्स, कैश्यू आलमंड और पिस्ताचियो, काजू बादाम और पिस्ता का मैंने यूज़ किया है तो वो हम ऐड कर लेंगे। तो तैयार है हमारा स्वीट न्यूट्रिशियस बाजरे का दलिया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आने वाले अगले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।